अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना एजाज, वेलकम टू वीकेंड विद हिना। आज के जो मेरे मेहमान हैं, खूब चर्चा में आजकल, बल्कि आजकल आप उनके बहुत सारे टीवी इंटरव्यूज भी देख रहे होंगे और उनके जो काम के शाहकार हैं, बल्कि बहुत सारे आप द लेजेंड ऑफ मौला जट में भी देख रहे हैं, बिकॉज जितनी भी मेल कास्ट है, जितने भी मेल अदाकार हैं, उनकी स्टाइलिंग, उनका वार्डरोब, कॉस्ट्यूम्स कह लीजिए, वो किए हैं द वन एंड ओनली फहद हुसैन ने। फहद हुसैन IAS इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम बनाया और फिर देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। ऑफ कोर्स देयर आर अप्स एंड डाउन्स, उस जर्नी के बारे में भी बात होगी। सेटबैक सबके आते हैं, लेकिन पहचान अपनी बनाना बहुत मुश्किल काम है। आपके डिज़ाइन आपके अपने ही हैं, ही इज़ नोन फॉर दैट। व्हाट ही क्रिएट्स, इट्स एक्चुअली हिज क्रिएशन एंड बिलोंग्स टू हिम। तो इनकी पूरी स्टाइल, डिज़ाइन फिलोसफी, द लेजेंड ऑफ मौला जट की जब हम बात करते हैं, एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि सिर्फ कॉस्ट्यूम्स तक महदूद नहीं थी इनकी स्टाइलिंग, कुछ और चीज़ों में भी थी। अब पता नहीं ये बात आप और इंटरव्यूज में सुन चुके हैं कि नहीं, बट आई हैव दिस क्वेश्चन फॉर फहद हुसैन, सो लेट्स टॉक टू हिम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आई एम गुड, हाउ आर यू? गुड। एंड आजकल तो बहुत मसरूफ हैं, बड़ी मुश्किलों से मुझे टाइम मिला, बिकॉज आई नो यू गिविंग अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज और बहुत चर्चा में आप। जब जहाँ देखें लेजेंड ऑफ मौला जट की जब बात हो रही है, तो आज मुझे एक और चीज़ पता चली, अब सोर्स नहीं पूछेगा, बट पता ये चली कि सिर्फ कॉस्ट्यूम्स की हद तक नहीं, लेकिन फिल्म के बहुत सारे एस्पेक्ट्स में, स्टाइलिंग के, आप इन्वॉल्व थे। इज दैट राइट? या दैट्स ट्रू। क्या कहानी है बताइए। दैट इज ट्रू एंड नॉट ट्रू एट द सेम टाइम। अच्छा। व्हेन आई वाज हायर्ड एट द फिल्म वाज इन अ प्रीमैच्योर स्टेज। आई थिंक आई वाज वन ऑफ द फ्यू फर्स्ट फ्यू पीपल हु गॉट हायर्ड फॉर द फिल्म। सो समीर इज अ वेरी गुड फ्रेंड, the AD, and Maramin Abru ke saath maine apna literally career ek tarah se keh sakte hain shuru kiya tha, aur aaj tak they are my first priorities to go and shoot all my campaigns. Is this, I think, wo aapki jab aesthetic mil jati hai ek cheez ke upar, aapko pata hota hai ki jab aap as a team banke koi kaam karenge to wo uska kya level hoga. So mere liye sabse badi exciting baat ye thi ki my friends were working on this project. So me, Maramin Abru, we were one of the first people who got hired for the film. And we started discussing what the timeline would look like. Somewhere around 7 years ago, almost, yeah. Achha. So we started doing research. Then Billy, you know, he had a voiceover from Hamza. That was the start of the film. And there were some dialogues. And I just remember going to the first script reading. And, you know, Nasir Saab read out the entire script to us. So it was a very good experience where we got to know firsthand what Bilal's visuals needed to look like and what the story needed to look like. So I too was down for the film. Jaise hi maine story suni, mujhe pata tha ki hum kya banane wale hain. Kyunki I think sabse zyada cinema mein, mere perspective mein agar koi cheez bahut zyada lack karti rahi hai all this time, to wo storytelling thi. Aapke paas paise aa jaate hain, budgets bhi aa jaate hain, aap kuch na kuch bana lete hain, lekin content kya banana hai, that always has been a very challenging task, I think, for Pakistani producers and directors both to come up with. सो बिलाल की सबसे अच्छी बात ये थी कि ही वॉज वेरी फोकस्ड अबाउट कि उसको चाहिए क्या। उनके जहन में एक एक विजुअल था कि इसको मैं ऐसे शूट करूँगा, मौला ऐसा लगना चाहिए और यू नो नूरी ऐसा लगना चाहिए, बट एट द सेम टाइम उनको नहीं पता था कि उनको चाहिए क्या, उनको ये पता था कि उनको क्या नहीं चाहिए। सो वो फिल इन द ब्लैंक्स, या वो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आई थिंक मैं, मराम आबरू, हम सब ने बहुत ज़्यादा मिले, क्योंकि एक्चुअली थिंग इज कॉस्ट्यूम इज ओनली अ कॉस्ट्यूम अनटिल उसका हेयर एंड मेकअप कम्प्लीट हो जाता है। सो मरामिन आबरू की एक अपनी इतनी इंडिविजुअलाइज किस्म की एस्थेटिक है टुवर्ड्स यू नो थिएट्रिकली क्रिएटिंग समथिंग, दे आर नॉट स्केयर्ड ऑफ थ्रोइंग ब्लड स्प्लैशेस ऑन समथिंग। और हमें इसके लिए गोर क्रिएट करना था, बहुत ज़्यादा वायलेंस क्रिएट करनी थी। तो मेरे लिए तो आई थिंक माई कॉस्ट्यूम वुड हैव बीन इनकम्प्लीट विदाउट द हेयर एंड मेकअप लुक्स दैट दे केम अप विद, बिकॉज दे ब्रॉट the characters to life really you know, convincing Hamza to do a man bun and do kajal, and you know, for Fawad he has such a glamorized I think unka bahut zyada glamorized kism ka ek viewpoint hai jo logo ne banaya hai, to unko ek completely flip opposite dikhana where he's an unglamorous drunk prize fighter, वो भी एक हमारे लिए बहुत डिफरेंट और एक चैलेंजिंग चीज़ थी। कॉस्ट्यूम्स के रिगार्डिंग आई थिंक द फैक्ट कि चीज़ें नई ना लगें
यूज़ लगें, अगर बहुत एक सताई हुई आवाम है जो कि हमने गांव के लोग दिखाए हुए हैं वो आर टॉर्चर्ड बाय नट्स, तो उनकी कॉस्ट्यूम्स की फील क्या होनी चाहिए रिगार्डिंग टू द स्पॉइल्ड रिच ब्रैट्स दैट नट्स आर, उनके विलन्स की कंप्लीट फील क्या होनी चाहिए. तो वी सैट डाउन एंड वी वर्क फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ऑन दिस, कमिंग अप विद द राइट कलर पैलेट्स, टेक्सचर्स, वेयर वी वर यू नो टेकिंग सम थिंग्स फॉर हिस्ट्री एंड देन ऑल्सो टेकिंग creative license for whatever and wherever required. History की आपने बात की तो timeline क्या set की आपने उस वक्त अपने ज़हन में और फिर apply क्या की actually? Timeline actually वो जो जो बिलाल के visual जैसे जैसे उनके ज़हन में बनते गए हम वैसी वैसी timeline बनाते गए, but the ideology of a savage Punjab, like savage ज़माना तो फिर 1600s ही बनता है almost, and we were looking at that period particularly. बिलाल के ज़हन में भी यही था. उनको तलवारें चाहिए थी, गन्स नहीं चाहिए थी, like, you know, वो उनको हर चीज ही न्यू एग्जैक्टली कि उनको चाहिए क्या. तो वो वाला जमाना बनाने के लिए देन वी वेंट डाउन बिकॉज यू नो व्हेन ही वुड टॉक अबाउट द गांव वो एक बहुत रूरल पंजाब एक्सप्लेन करते थे जो किसी भी टाइम लाइन में हो सकता था. पाकिस्तान में तो आधे से ज्यादा जगहों में आज भी बिजली नहीं आती. Like, let's just be honest about it. Yeah. The thing is कि वो एक fantastical ज़माना बनाने के लिए उसके लिए जो जो I think हमें visually required था we put all of that down on लेकिन table. जितना आप ज़माना पीछे लेते जाते हैं, जितनी दिहाइयाँ आप पीछे चले जाते हैं, जितनी सेंचुरीज आप पीछे चले जाते हैं, उतना बजट भी बढ़ता जाता है, मेहनत भी बहुत कुछ बढ़ता जाता है. So that's where I think everybody played smart now. Because we had very limited budgets. I think कि वो costumes करना relatively मेरे लिए बहुत easy था because I have a textile background and history also. Yeah, मतलब you know you need to be well read about what you're about to do. So मेरे कुछ अपने signature key elements थे, like मैं metal का काम बहुत सालों से करता हूँ. I like incorporating metal into my embroideries. So I used थोड़ी सी armoresque किस्म की चीज़ें, जहाँ I think Gohar is the only character पूरी फिल्म में जिसके पास ये मार्जिन था कि मैं उसके साथ हर तरीके से उसके कैरेक्टर के साथ प्ले अराउंड कर सकूं. सो अगर मैंने गौहर को कहा कि सोने का दांत होना चाहिए तो ही सेड यस. इफ आई सेड यू नो वी नीड सम मोर गोल्ड बैंगल्स तो ही वुड से यस टू एवरीथिंग बिकॉज आई वुड स्केच समथिंग, वी वुड डू अ लुक टेस्ट, वी वुड टेक फोटोज ऑफ इट एंड एवरीथिंग वाज डन. इट वाज दैट इजी सम डेज एंड सम डेज इट वाज एज डिफिकल्ट एज बिलाल सेइंग कि मुझे एक ऐसा ग्रीन कलर चाहिए जो बहुत डार्क ब्राउन की तरफ भी जा रहा हो और ब्लू की तरफ भी जा रहा हो, लाइक यू नो डस्टी सा. एंड ही वुड सिट इन माय स्टूडियो एंड आई वुड कीप ऑन डाइंग समथिंग अगेन एंड अगेन अंटिल ही वाज हैप्पी कि हां ये कलर मुझे लगता है अब सही लगेगा. और वो कितने अटेम्प्ट्स थे वैसे इस ग्रीन कलर के? लॉट्स ऑफ अटेम्प्ट्स. दिस इज आई एम टेलिंग यू समवेयर अराउंड 150 10 20 नहीं इतने ज्यादा नहीं थे, बट यू नो वी हैड आवर डेज. लीड कास्ट तो सारी प्रोड्यूस इन हाउस हमारे स्टूडियो से हुई थी, लेकिन आई थिंक ज़्यादा चैलेंजिंग मेरे लिए फिल्म के लिए वाज यू नो टू डिज़ाइन एंड मेक श्योर एवरीबडी एल्स लुक द पार्ट एज वेल. बिकॉज अगर वो गांव के 150 लोग हैं तो वो भी डिज़ाइन हमने ही सप्लाई किए हैं, उसकी कलर पैलेट भी हमने सप्लाई किए हैं. वो देयर वाज अ होल वार्डरोब डिपार्टमेंट ऑन सेट. क्योंकि देखिए कोई कमर्शियल डांस तो नहीं है ना कि सबको ऐसे कपड़े पहना वही ना, तो वो उसकी एक लुक एंड फील क्रिएट करने के लिए उसमें कितनी मेहनत इन्वॉल्व थी. बहुत ज्यादा. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू अमारा बिकॉज इतने बड़े स्केल की प्रोडक्शन हैंडल करना कि बाज़ूकात हम सीन्स शफल कर रहे होते थे तो सीन्स ऊपर नीचे हो जाते थे कि एक सीन अगर 4 दिन बाद शूट होना है तो वो पहले आ जाता था due to some weather forecast or bilkul whatever and what not, so, you know schedules keep shifting, so she was able to manage whatever I wanted, and that you know a producer who was ready to manage something that I wanted to do is also you know it was a rare sight some days. So wo plan kaise hota tha in 150 logon ki styling costumes to pre-hand decided the right. Look and feel be decided thi, color palettes be pre-hand, you know, we worked everything out on paper because I remember the first year or two when we were working on the project the film was shelved I think several times, twice if I'm not wrong. Yeah, and then the third time when we properly started working when Amara got on board, then Namsa Abbasi came on board. Hamza Bajwa pehle se hi the hamare sath because wo uski you know Bilal ko ek visual chahiye hota tha, wo usko ek computer graphics ke through he would come up with that visual ke work.
जो फाइटिंग पिट है वो कैसी होनी चाहिए, उस पर आग जल रही होगी तो वो कैसी लुक एंड फील आ रही होगी, वहाँ पे अगर ढोल वाले खड़े होंगे तो वो कैसे लग रहे होंगे, वो ढोल वाले कैसे होने चाहिए। सो आई थिंक इतनी ज़्यादा विजुअल रिसर्च है इस फिल्म के पीछे, इस वाई वो एक एक फ्रेम आपको उस परफेक्शन से नज़र आता है, इसलिए कि उस पर ना सिर्फ मैंने, मेरा तो खैर बहुत प्रिलिमिनरी काम था, मैंने रिसर्च की, टाइमलाइन सेट की, आई कंसल्टेड ऑन एक्स वाई जेड थिंग्स एंड देन वी गॉट स्पेशलिस्ट पीपल ऑन बोर्ड। सो दैट ऑल्सो आई लव द फैक्ट दैट यू नो मैं नमसा से ज़्यादा हार्ड वर्किंग किसी सेट डिज़ाइनर से नहीं मिला था, पूरी प्रोडक्शन डिज़ाइन जो है वो उन्होंने की है। कि अगर यू नो हमने सोचा था कि हमें एक्सेस चाहिए या हमें गंडासा ऐसा होना चाहिए, तो दे ड्रू इट एंड शी गॉट इट मेड, नॉट ओनली वन शी गॉट सेवरल मेड। और मैंने सुना बहुत टूटे भी थे। ओ यस गंडासा यूज्ड टू ब्रेक एवरी नाउ एंड देन, वो सीन 12-12 13-13 जाया होते थे एट पर्टिकुलर टाइम, बिकॉज वो ऑब्वियसली यू नो आई थिंक नन ऑफ अस हैड एनी एक्सपीरियंस एक्शन फिल्म से रिलेटेड। So this was, और इसमें थी सारा एक्शन, सो टू कम अप मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था टू कम अप विद अ कॉस्ट्यूम व्हिच लुक्ड इंडिजिनस टू पंजाब, कि वो धोती भी रहे और वो कुर्ता भी रहे, वो पाकिस्तानी फील भी दे और वो एक्शन सेवी भी रहे। तो देर वर अ लॉट ऑफ डिस्कशंस, इयन हमारे जो स्टंट डायरेक्टर थे, he had worked in a lot of Hollywood films and we were children because none of us had worked in anything. Like this was literally my first film that I chose to work in because you know commercial jobs come and go. और इतनी बड़ी हिट मूवी, वो तो हिट you know हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह and I think it's everybody's hard work that, because I have a belief system. Such things only passion can make. Money can't. Absolutely. Money can't make this. Absolutely. Somebody could have spent 20 times more money on this and not even gotten half the work done. Absolutely. Because the way Billy brought this entire team, जिस तरह हम सब लोग एक टेबल पे बैठ के डिस्कशन करके काम करते थे ना, उसकी एनर्जी और होती थी, बिकॉज हर कोई एक ही डायरेक्शन की तरफ जा रहा था। There was no मैं, there was no तुम्हारा, no मेरा, ये हम सब का प्रोजेक्ट था। You were all working towards हमारा सिर्फ एक गोल था कि ये विजुअल बहुत अच्छा निकल जाए, ये हमारा काम है। आई थिंक सारे एक्टर्स, एवरीबडी हु वाज ऑन बोर्ड विद दिस प्रोजेक्ट, सब की जो आई थिंक आप उसे नीयत कह लें या उन लोगों की जो एनर्जी है वो एक ही तरफ कन्वीन करती थी। It was very good karma. इसमें थे मेल एक्टर्स और सबका अपना अपने किस्म का इम्पोर्टेंट रोल। सबसे ज्यादा एक होता है ना, मजा आता है किसी एक की स्टाइलिंग करते हुए या उसको कॉस्ट्यूम उसके बनाते हुए, तो वो आपकी पर्सनल इंक्लिनेशन कहाँ पे थी ज्यादा व्हाइल डिजाइनिंग फॉर समवन, बिकॉज यू लाइक दैट पर्टिकुलर रोल सो मच और इट वॉज वेरी क्लोज टू योर हार्ट। आई वुड नॉट want to pick one. Please do. I can't. But I think I enjoyed Gohar's character the most. Ek to, the margin of playing with the costume was a lot. And then, you know, I used to really enjoy the fact that the costume used to add to his performance. And as a designer, for any project, if, you know, you're helping an artist do their best, usse zyada achha reward aapke liye koi nahi ho sakta. On the other end, I really, really enjoyed working with Nayyar Ajaz Saab. Like, you know, these veteran Punjabi actors that I had only seen on screen. Bilkul. Working with them, and these are wo wale log hain, ye sab log jinko bahut zyada costumes ke sath kaam karne ki shayad aadat nahi hai. Achha. To unko jab main aise pure gauntlets aur wo armor aur har cheez jab unki jaati thi, wo log bahut khushi se perform karte the. Achha, wo khush the ke itni mehnat, because everybody knew that they look nice. Yeah Shafqat Cheema sahab, and they're also larger than life, itni zabardast acting, aur wohi na unke characters itne bade hain, wo as an entity they're so big, as an entity they're so large, itna experience ke alawa Punjabi cinema without the contribution of these people is nothing. Like hum to chale hain, aap aaj ke daur mein aap hame revivalist keh sakte hain na at best, but wo revival करने के पॉइंट तक भी हमें यही लेके आए हैं ना। बिल्कुल। They kept it alive. Yeah, iconic. They kept it alive. अच्छा, तो काफी खुश होता था। Oh, and I was so. मेरे, I think it's because of a generation gap as well.
मेरी गौहर से अच्छी दोस्ती थी, हमजा से अच्छी दोस्त, तो उनके साथ काम करना इंटरेक्शन रहता था, वाज ग्रेट. मी एंड गौहर वी आर बैचमेट्स फ्रॉम बीएनयू, सो आई हैव नोन हिम फॉर एवर. तो मैं तो आई वाज सुपर एक्साइटेड बिकॉज़ आई हैव ऑलवेज सीन, like I have believed in Gohar's talent hamesha se. I think he's a fantastic actor. And aap usko jo bhi role dein wo asal mein itni mehnat se aur itni lagan se ek cheez ko pura embody kar leta hai, and that's like a real performing artist. Meri nazar mein ek wohi insaan hota jo har role ko leke na they would just become that person. Itni acting karte hain ki lagta hai ki wo genuine nafrat bhi ho jati hai us role se. Of course he does it so well. He does it so well, and I think wo movie ki progression mein bhi you can tell, because He makes you hate him. Yeah, he makes you hate him. He does it so well with perfection. But कभी होता है ना कि कुछ debate होती है कि while styling किसी एक actor के लिए, तो since आप इसमें जितने भी males थे जिनकी styling कर रहे थे, तो अक्सर ये कभी हुआ किसी एक के साथ कि अच्छा नहीं, ऐसे नहीं होनी चाहिए styling. वो debate हम set के ऊपर कभी भी नहीं लेके जाते थे. अच्छा, उससे पहले that debate always used to happen prehand. And there was a lot of debate. Nice and civilized, I must say. How? No, organized. Organized. Nice, civilized, organized. Okay. I think everything was very. हमने एक-एक look test करके एक-एक silhouette final की थी, जो बड़ी मुश्किल से हुई थी. हमने दो-दो तीन-तीन silhouettes try की थी. Because you know, हर character की अपनी-अपनी demands थी. Like Hamza was not poor, but he was supposed to be a dark person who liked rugged and kind of a dark Sufi किस्म की approach थी उसकी. सरदार है लेकिन बनना नहीं चाहता, एंड यू नो लाइक उसकी लाइक्स टू स्टे इन द प्रिजन बिकॉज दैट्स वेयर ही फाइंड्स कॉम्पिटिशन इन लाइफ. तो देयर वाज सो मेनी फैसेट्स टू दैट कैरेक्टर कि उसको डिजाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट आई थिंक हमजा मेड इट वेरी इजी. Mm-hmm. Well, I think the pehli dafa wo halke se band wala kurta, he came out, chest out, and all these jewels hanging from him, and he was like, yeah, I feel it. Aisa waisa impact hua, duniya ka impact ho gaya. Nahi, I think wo jo hum ek superhero aur ek super villain ka ek image achieve karna chahte the, wo ho gaya. Wo isse ho gaya. Job well done. And, yeah, thanks. Job well done, Fahad. Aur ye look and feel hota hai jo ek character ka, shayad जो ऑडियंस है ना उसको समझ नहीं आती ये बात इतनी कि कितनी मेहनत होती है उस पूरे कैरेक्टर को बिल्ड करने में. बिकॉज़ बहुत सारी जो फवाद की इवन कॉस्ट्यूमिंग है या इवन गांव वालों की कॉस्ट्यूमिंग, ये नेचुरल डाइज से डाई हुई है. तो जो उस जमाने के एक्चुअल डाइज थे, अगर इसको 15-15 दिन हमें उबालना पड़ता था टू मेक श्योर कि कपड़ा लिटरली लाइक नेक्स्ट नथिंग हो जाए. या या, सो वी टेक्सचर्ड एवरीथिंग टू मेक श्योर कि वो फिल्म की फील किसी भी पॉइंट पे खराब ना करे. बहुत बड़ी बात है. आई थिंक इट्स ट्रूली अमेजिंग जो आप लोगों ने अचीव किया है एज अ टीम. एंड लाइक आई सेड बिफोर कि आपका कंट्रीब्यूशन अगेन इतना ज़्यादा इसलिए है कि अगर वो लुक एंड फील ही नहीं आती तो आई थिंक इट वुड हैव बीन डिफरेंट. श्योर इट वुड हैव बीन बट आई थिंक बट आई एम रियली थैंकफुल फॉर गेटिंग दैट चांस बिकॉज यू नो पीपल थिंक कि हम सारा वक्त हॉलीवुड देख के उसको अप्रिशिएट करते हैं, अगर बॉलीवुड कोई अच्छी चीज़ बनाता है उसको अप्रिशिएट करते हैं. इट्स जस्ट अ पर्सनल पर्सपेक्टिव कि पाकिस्तानी आवाम को अपने ही लोगों को बुरा कहने की आदत हो गई है. सो टू कम अप विद समथिंग विच वॉज कम्प्लीटली लोकल, ये ज्वेलरी मैंने शालमी से खरीदी है, शालमी का नाम लेते हुए लोग कांपते हैं. I don't know why. I love Shalmi. I get your point. Yeah, yeah. You know, so totally. Everything is locally made. It's locally produced, locally sourced, done by local people. Hum bhi Pakistan. So, main iske liye bahut zyada thankful sirf isliye ki ye for the first time I think we have shown the entire world what we're capable of, and we don't need to go and somewhere. And the team was great. Dekhe, producers cooperative hai. Yeah, yeah. Samajhte hai, progressive thinking hai. Progressive thinking ke alawa unko art ki understanding hai ki art aise nahi ban jati. Of course. तो वो एक टीम ऐसे जेलन हो गई दैट इट गेव अस द लेजेंड ऑफ मोहम्मद आर्ट. अमेजिंग. अच्छा फहद, दिस वन थिंग अबाउट यू, हमेशा से मैंने सुनी है कि फहद का डिजाइन अपना डिजाइन होता है. कहने को बड़ी सिंपल बात है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. कहीं से कोई इधर उधर से आप ज्यादा इंस्पिरेशन भी नहीं लेते, इफ यू नो व्हाट आई मीन? आई डोंट बिलीव इन दैट एक्चुअली. आई डोंट बिलीव इन दैट स्कूल ऑफ थॉट इन जनरल. मैं तो इसलिए बहुत सारे आई यूज्ड टू टीच इन डिफरेंट schools and universities, I don't anymore because I don't agree with the curriculum. Students bahut tang karte the. No, it's actually the fault is not with the students, it's with the institution.
with the institution. अच्छा क्या कहेंगे कि अगर आपको लगता है कि you know आप एक चीज सिखाना चाहते हैं और आप उसकी एक price charge करें तो this becomes a business ना. Right. When you are putting yourself out there to teach people आज के ज़माने की requirements और आप उनको 30 साल पुराना डिज़ाइन सिखा रहे हैं. Oh God, are you serious? Yeah, मतलब एक किमोनो काटना तो आज के ज़माने में ज़रूरी नहीं है ना. है भी नहीं भी. Like it's a debatable conversation. Not really. But the thing is, if you are not acquainting kids today to work at the speed that is required for this market today, then you're not creating stars, na? You're creating workers. I have a problem with that. Worker bees. Yeah. Because when you say कि मैं अपना डिजाइन में अपना ड्राफ्टर खुद हूँ, मैं स्केचिंग खुद करता हूँ, I don't have that setup in the business where you know I have 40 assistants and 30 sketchers and somebody makes design and I say yes I make design because that's what I work for. I wanted to design. I am a designer and I have a voice and I know for a fact that there's so much that I can create. That I wanted to create that. That's why I learned everything that I needed to learn, whether it was drawing or drafting or editing skills. Like for that matter, I think you should keep on educating yourself all the time to be a better, more learned version. So institutes जितने भी थे वो ऐसा नहीं करते. वो institutes ऐसा ना करने देते हैं ना वो हैं. Which is why I feel fashion की market Pakistan में ऐसा progress नहीं की. Because if you look at the past 10-15 years, I think minus Ali Zee Shan and Fahad Hussain and maybe Hussain Rehar, yeah, you haven't had a new induction of a new name. बिल्कुल and that's where all the and ये frankly, तो मैं आपसे agree करती हूँ 100%. Frankly, हम सब लोग, whether it's me or it's Ali or it's another person, हम लोगों ने अपनी design sensibility की base पे जो हम थे और जो बनाना चाहते थे टैलेंट इतना था कि आपको पता था उसी की बेस के ऊपर वी डिड इट. बट वेयर इज द रेस्ट ऑफ इट. दैट मींस दूसरे लोगों को मार्जिन नहीं दिया जा रहा. दैट इज आल्सो अ थिंग. अगर आपका इंस्टीट्यूट आपको मार्जिन ही नहीं देता क्रिएट करने का, हाउ विल यू क्रिएट इफ यू आर नॉट टॉट टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स? यू विल रिमेन इन द बॉक्स. सो आई थिंक वो वाले डिफरेंसेस की वजह से हमारी फैशन की मार्केट जनरली बहुत डिस्टर्ब्ड है. मैंने सुना है मार्केट में ऑफ कोर्स अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं. दुनिया के मार्केट ट्रेंड्स भी बहुत अफेक्ट करते हैं. क्या दुनिया में रिसेशन चल रहा है, नहीं चल रहा, और सेटबैक्स भी आते हैं. आपके भी सेटबैक आए, बट यू रियलाइज वन थिंग इन बिटवीन के पेंडेमिक वॉज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. सो हाउ डिड यू कम टूवर्ड्स द प्रेट लाइन? वो कैसे हुआ? आई थिंक फेलियर्स एक्सेप्ट कर लेना या फेलियर को गले लगा लेना एक भी एक सक्सेस होती है. Absolutely. आप जितने अच्छे तरीके से फेलियर से सीख सकते हैं या फेलियर एडमिट कर लेते हैं तो आई थिंक वो डर खत्म हो जाता है. व्हाट आई डिड वाज आई जस्ट एक्सेप्टेड माय फेलियर. एक आर्टिस्ट होते हुए एक बहुत अच्छा मैनेजर होना भी ज़रूरी नहीं है. एक बहुत बड़ा फाइनेंशियर होना भी ज़रूरी नहीं है. तो माय आई द मेनी थिंग्स आई कांट डू एंड आई एम ओके एक्सेप्टिंग. फाइनेंशियल एक्सपर्ट कभी कपड़े नहीं अच्छे पहन सकते. या दैट आल्सो इज डिबेटेबल. बट द थिंग इज you know, you some days you know exactly what you're missing. When I shut down my business, uska reason pandemic nahi thi. Uska reason was just that I was unable to manage what I had. This client told me that I really like your work and I love your work, I want to wear it, but then I can pay somebody some extra money and wear something I don't really like as long as I get it on time. So that thing hit me really badly. And I realized it's actually true. Like, if you really like something, then you also need it on time, na? True. You don't want to keep on waiting for it. So I realized that my system had a lot of lag, like between processing orders and coming up with new collections and keeping up with finances. Streamlining, organizing. So it's organizational problems. So there were a lot of organizational problems. Wo sort out kar liya. Yeah. And therefore we see this gorgeous place. Oh yes. Right. So congratulations on that. Thank you. And overcoming all that was wrong and making it right. Aur hota hai. Hota hai, yeah. Ke failure ke baad hi success hota hai. Yeah, my mother asked me something really interesting. Like, who are you doing this for? Ye aap kiske liye kar rahe hain? Sab kuch mere paas jawab nahi tha. Woh aap apne liye kar rahe hain. Kachi. Kehte beta, agar aap apne liye hi kar rahe hain to phir aap isko zyada acche tarike se kar sakte hain. And I think sabse achhi cheez
जो मुझे मेरी अम्मी से मिली है वो फेथ है. आई सिंसियरली बिलीव कि आप अच्छी नीयत और अच्छी फेथ के साथ जो काम करने निकले वहाँ से सबसे सिंसियर एडवाइस तो वालिदा ही दे सकते. ओह या उसके अलावा कुछ नहीं. यू कांट गो रॉन्ग विद दैट एवर. बहुत अच्छी एडवाइस दी उन्होंने. फॉर प्रिंट म्यूजियम अनस्टिच्ड फॉर्मल्स की आपकी जो लाइन है व्हिच इज द मोर अफोर्डेबल लाइन. या उसके मैंने कुछ खैर सैंपल्स भी देखे और बहुत ही खूबसूरत है. कुछ इसकी आई थिंक लास्ट ईयर भी आई थी इस साल. सॉरी ये हमारी कैलेंडर ये हमारे कैलेंडर पे प्रोडक्ट एंड इट्स डूइंग वेरी वेल आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह. यस इसके बारे में बताइए ये आईडिया कैसे आया. आइडिया तो बहुत देर से है. आई थिंक मेरे पास टाइम नहीं था उसको बहुत अच्छे तरीके से फाइन ट्यून करके डेवलप करने का. यू नो फास्ट फैशन जनरली लोग समझते हैं कि खाली शर्ट टी शर्ट्स तक लिमिटेड होगा. बट अब चूंकि हर चीज़ आफ्टर स्पेशली द पेंडेमिक पीपल आरंट रियली स्पेंडिंग दैट मच. ये बात तो फैक्ट है. या या एंड इवन इफ दे आर यू नो पीपल डोंट वांट टू स्पेंड दैट मच. ब्राइडल्स पे भी उतना नहीं खर्च रहे शायद पहले की तरह. इज दैट ट्रू? आई डोंट नो. अपनी लाइक देयर इज अ डिफरेंट माइंडसेट एंड अप्रोच टुवर्ड्स डिफरेंट क्लाइंट्स. दे ऑल बिहेव अकॉर्डिंगली. बट मेरे पर्सपेक्टिव में मासेस में आई थिंक पीपल आरंट गोइंग फॉर रियली बिग वेडिंग्स एनीमोर. So I wanted to come up with a range which was very affordable and it's more to do with a completely styled look and you know this aap usko keh sakte ho instagramable fashion hai ek tarah ka ki aapko look and feel chahiye tasveerein achhi aa jani chahiye product mein quality honi chahiye and wo ek designer ki likhni chahiye. maine wo sare boxes check karke ek collection banayi aur wo bahut khoobsurat hai. yeah it's a under 40,000 bridals, दो दुपट्टे, pouches. बारीकी से हुआ हुआ है embroidery जो है. Because I think industrially producible चीज़ों की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि जब आप एक दफ़ा उसके ऊपर अपनी sensibility transfer कर लें तो वो लगती ही आपकी है. सो मेरे जितने भी एक तरह से मैं ब्राइडल्स के ऊपर बहुत खास तरह की कलर पैलेट लगाता हूँ तो वही सारी कलर पैलेट जब आप इंडस्ट्रियली ट्रांसफॉर्म करके उसको थोड़ी बहुत लुक एंड फील दे दें तो आई थिंक थोड़े से डिस्टेंस से दे ऑल लुक द सेम. बाद आपकी जो शॉर्ट फिल्म थी झंझालपुरा जिसमें आपने फीचर किया कुबरा खान को उसके पीछे क्या पूरी क्या कॉन्सेप्ट था? बिकॉज़ इट लुक्ड फैंटास्टिक. आई ट्राइड एड्रेसिंग लाइक अ सोशल मैटर एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम द स्टूडियो एक्चुअली. वन ऑफ माय रियली डियर क्लाइंट्स शी केम बैक टू अस एंड शी ऑर्डर्ड सम क्लोथ्स एंड आई आस्क्ड हर लाइक व्हाट आर दी ये कपड़े किस लिए हैं. She told me कि मेरी शादी है. So I knew for a fact कि I think she was getting married for the second time. Right. And I instantly took on to that and I said अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है. Like you know, not to be taken in any wrong concept, but if you are not getting along and you're not happy, तो I don't think कि इस बात में कोई हिचकिचाहट होनी चाहिए आपको इस बात से कि आप अपने लिए कोई अच्छा फैसला क्यों नहीं ले सकते. कोई गलत बात नहीं. So I came up with this narrative. That it's okay to remarriages are also okay. Like if you don't get along with somebody and life has given you a second opportunity and you like someone, go ahead and you know celebrate yourself because life is too short. बिल्कुल. कि आप दूसरे लोगों के या कि आप दूसरे लोगों के नजरिए से उसको जीना शुरू कर दें वो चीज भी ठीक नहीं है. काश ये बात पूरी दुनिया को समझ आ जाए. So Kubra, I think. Was the perfect choice for this character because हाँ ये मैंने पूछा था कुबरा खान क्यों? Yeah because I think I could see that serious doctor in her. You know like अच्छा. I when I'm casting for any of my projects I like seeing the character in them. जिस तरह उसमें एमल भी है. एमल is also that you know like a पठान doctor feels. So I first decided on what kind of characters do I need. What kind of family is this? ये किस तरह की फैमिली की स्टोरी है और ये शुरू कहाँ से लाइक अगर आप झंझालपुरा प्रॉपर्टी देखें तो इट स्टार्ट्स ऑफ विद अ हाउस हेल्प कि डिस्कशन असल में कि शादी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए आपके इंटरनल मैटर्स क्या हैं शादी टूटी क्यों दोबारा क्यों होने वाली ये डिस्कशन बेस लेवल से लेके घर के बड़ों तक जाती है. एंड इवन योर इमीडिएट फैमिली सम डेज इज़ नॉट हैप्पी विद व्हाट यू आर डूइंग और देयर कंसर्नड कि यू नो क्या दूसरे लोग इस बात से कोई शायद तो नहीं ले जाएंगे. बट माई आइडिया फॉर झंझालपुरा वाज कि हर इंसान की सिचुएशन उसकी अपनी होती है. यू शुड गेज व्हाटएवर इज योर सराउंडिंग व्हाट मेक्स यू हैप्पी हाउ यू वांट टू टेक योर रिलेशनशिप फॉरवर्ड एंड यू नो नॉट बाव इन टू सोशल प्रेशर्स एंड सोशल नॉर्म्स और एनी ऑफ दीज थिंग्स. व्हाट अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट फहद. लेकिन वही बात कि काश ये बात सबको समझ आ जाए. या लेट्स होप एंड प्रे. या होप एंड प्रे. कोशिश की. या
बार अल्फाज जिस तरह हम देखते हैं, मैं बॉलीवुड की बार बार इसलिए एग्जाम्पल हम सब देते हैं क्योंकि हमसे क्लोजेस्ट है एंड इट्स सच ए लार्ज फिल्म इंडस्ट्री. मनीष मल्होत्रा एक टाइम था कि रिटेल से पहले या ब्राइडल्स खास स्पेसिफिकली से पहले सिर्फ फिल्म्स के लिए स्टाइलिंग एंड कॉस्ट्यूम्स कर रहे थे क्योंकि इतनी बड़ी इंडस्ट्री की इतना काम था उसके अंदर. बट फॉर नाउ वी हैव सीन कि द लेजेंड ऑफ मौला जट में बड़ा फोकस होके इस चीज़ को अटेंशन दी गई. यू वर अ पार्ट ऑफ इट देयरफॉर. बट ये वक्त कब आएगा पाकिस्तान में कि खास इसका एक डिपार्टमेंट होगा कॉस्ट्यूम एंड स्टाइलिंग? लेट्स होप दैट वी गेट दैट सून बिकॉज़ यू नो इट्स वेरी नीडेड, मच नीडेड. एंड आई थिंक मौला जट की सक्सेस की वजह से शायद लोगों को ये बात समझ में आ जाए कि कॉस्ट्यूम भी एक एक्चुअल काम होता है. You know, but a lot of आपको लगता है लोगों को समझ आएगा भी? Actually, thing is, we live in that community जहाँ हर किसी दूसरे की जॉब डाउनग्रेड करने की ना आदत होती है कि you know, ये तो आप कर ही लेते हैं. Yeah, yeah, yeah. So everybody can do everything, but that's not true. Not everybody can do everything. That's how क्योंकि देखो फिल्म में specialist jobs होता है. मराम एंड आबरू actually went to you know these professional people in UK who were doing work on international films like you know Star Wars and Apocalypto and this type ki films, and they learned how to do wig making, they learned right. how to do special Bilkul. effects ka makeup. Aap apni craft upgrade karke apne mulk ke liye kaam kar sakte hain, isha kar sakte hain, but wahan pe uski understanding aani bahut zaruri hai. I think pehli dafa Pakistani film industry ko shayad is cheez ki samajh aayi ho ke oh you know this is also समझ आना और इम्प्लीमेंट करना कर काफी डिफरेंस है. आई होप इम्प्लीमेंटेशन हो एंड दे अंडरस्टैंड फ्रॉम द एग्जांपल ऑफ द लेजेंड ऑफ मौला जट के लुक एंड फील कितनी इंपॉर्टेंट होती है हर मूवी के लिए. स्टाइलिंग इज सो इम्पॉर्टेंट. हर कोई खुद स्टाइलिस्ट नहीं बन सकता. ऑफ कोर्स जो जिसका काम है उन्हें करने दीजिए. सो फहद वेल वक्त की कमी है लेकिन बातें बहुत ज़्यादा है. सो आई वुड से आई एम नॉट गोइंग टू एंड दिस इंटरव्यू टिपिकली प्रॉपरली बिकॉज हम बहुत जल्द एक और इंटरव्यू के लिए आएंगे because there's so much more to discuss. Inshallah. And let's hope things have changed in the industry by then. Inshallah. A little bit, if not much. Thank you so much. Thank you so much for being here. Thank you again. अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी. आप देखते रहिएगा News One TV.